नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम एक प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कि पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में तथा पाइप बी उसी टंकी को 30 घंटों में भर सकता है। पाइप सी इसी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, प्रश्न ने कहा है कि तीन पाइप हैं, दो पाइप हैं ए और बी जो कि उसको भर रहे हैं, और जो तीसरा पाइप है पाइप नंबर सी वह उस टंकी को खाली कर रहा है। अब उसने कंडीशन दी है कि यदि तीनों पाइपों को हम एक साथ खोल लें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि टंकी x घंटे में भर जाएगी। ये हमने इसको मान के चला। ठीक है, अब पहली टंकी कितने समय में भरती है, 20 घंटे में। तो एक घंटे का टाइम क्या होगा इसका, 1/20, और x घंटे का टाइम क्या होगा, x बटे 20। दूसरी टंकी है b, b लेती है 30 घंटे का टाइम। तीसरी टंकी है c, c लेती है 40 घंटे का टाइम। अब जो नल ए और बी हैं, यानी जो पाइप ए और बी हैं, इसको भर रहे हैं तो हम इनको जोड़ देंगे, लेकिन जो सी नंबर का हमारा पाइप है वो उसको खाली कर रहा है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, बराबर में कर देंगे एक। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इन तीनों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 120। 20 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 6 का ऊपर गुणा कर देंगे। 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे। और 40 से गुणा करेंगे 3 बार जाएगा, यहाँ पर 3x बचेगा, बराबर में 1 हो जाएगा। अब 120 यहाँ पहुँच जाएगा, 6 और 4 10, 10 में से 3 जाएंगे तो 7x बराबर हो जाएगा 120। तो x बराबर 120/7। ठीक है, अब 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो साइड से डिवाइड करेंगे, 7 × 7 बचेगा 5, हो गया 50, 7 × 7 = 49। क्या जाएगा, x बराबर 17 सही 1/7 घंटे। यानी कि वह जो टंकी है वह 17 सही 1/7 घंटे में पूरी भर जाएगी। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ।